तुम दूर हुए मजबूर हुए, हम कैसे करें ये दर्द बयां। बेजारे जा सब ख्वाब हुए, छम छम बरसे प्यासी अखियां। चुप हो जा, कब से भैमे मचा कर रखी है, पता नहीं ये कहां मर गए। कह रहा था अभी आ रहा हूं। ये मेरा बेटा समी, 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 मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा समी, मेरा समी, या अल्लाह तेरा शुक्र माफ कर देगा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, अम्मा, ये आप किसके रिश्ते की बात कर रही हैं? फैमी के रिश्ते की बात कर रही थी। मुझे लगता है अबरार भाई आ गए, देखकर आती हूं मैं। फहमी आंटी का रिश्ता, इनसे कौन शादी करेगा? अजीब सी तो है उम्र, आंटियों वाली और हरकतें लड़कियों वाली। एक तो मेरी अम्मा को भी बड़ा शौक है पराए खड्डों में पढ़ने का। नायला, मैं अबरार भाई की तरफ जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो, समी के रोने की आवाजें आ रही हैं। बस दुआ करो कि बच्चा खैर खैरियत के साथ। मैं भी चलती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम घर पे रहो, दरवाजा बंद कर लो। फैमी आंटी को मत बताएगा वरना वो अभी उठकर आ जाएंगी। अच्छा, तुम दरवाजा बंद कर लो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको समी की सलामती से वापसी। बस ये अल्लाह ने बहुत करम किया। बेशक बहुत करम किया। आपको पता है पूरी रात मैं तो मुसल्लत से उठी नहीं, नफले ही पढ़ती रही और अल्लाह से खैर की दुआ करती रही कि बस समी खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। पता है यतीमी की जिंदगी गुजारी ना मैंने, बच्चे का दुख तो देखा ही नहीं जाता मुझसे। मुझे तो जैसे ही जेबा ने बताया कि समी वापस आ गया, मैं तो उसी वक्त आने वाली थी। फिर मैंने सोचा सारा दिन आप सूरी पर लटके रहे हैं, थोड़ा आराम कर ले। वैसे हमारा शहजादा है कहाँ? खैरियत से तो है ना, कहाँ कहाँ घूम कर आया, जरा दिखाए तो, मिलाए मुझे। जी अंदर कमरे में आइए। यहाँ है हाँ समी। क्या हुआ अभी?
परेशान क्यों लग रही हो? खैरियत है? तो तुम्हारा भाई भी वापस आ गया, अब क्या मुसीबत है? कुछ नहीं, मम्मी याद आ रही है। वीर, याद है तुम्हें मम्मी कैसे हमें सुबह सुबह आके उठाया करती थी और फिर हम उन्हें तंग करने के लिए अपने कानों पर तकिया रख लेते थे, उठते ही नहीं थे। और आज एक आहट पर आंख खुल जाती है। पता है आप भी, कभी सोचती हूँ कि काश अम्मी कुछ दिन और रह लेती हमारे साथ। जब मुझे लगता है कि सब सही होने वाला है, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। मुझे भी बस यही डर है अभी कि कहीं अम्मी की यादें भी इस घर से ना चली जाए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी अभी। ये हमारी माँ का घर है और हमारा। अबरार साहब, मैं समी को चेक कर लेती हूँ, कहीं से कोई चोट ना लग गई हो और खुदा ना खास्ता कोई अंदरूनी चोटें ना आ गई हो। खैर, अब तो मैं आ गई हूँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्वाइट फिल्मी सिचुएशन। बच्चा अगवा हो गया, पुलिस वालों ने रेलवे स्टेशन पे छापा मारा और बच्चा मिल गया। आप भी ना अफान, किस दुनिया में रहते हैं? पता नहीं कौन कौन से लोग आपको बेवकूफ बना जाते। डैड मामा ठीक ही तो कह रही हैं। पुलिस ने एक ही दिन में बच्चा ढूंढ भी लिया और वो भी इस शहर में जहां आए दिन बच्चे अगवा होते रहते हैं और उनका कुछ पता ही नहीं चलता है। देखो, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। आप दोनों को समझाना कोई आसान काम है। आप भी अफान, आपसे हमदर्दी और पैसे बटोरने के लिए अबरार हसन ने ये ड्रामा रचाया था, लेकिन वो इस ड्रामे में कामयाब नहीं हो सका क्योंकि पुलिस वालों को लेके आप खुद ही वहां पहुंच गए थे। अच्छा, बहरहाल मैंने कह दिया ना कि मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। दो चार दिन के लिए बच्चा खुद ही गायब कर दो और फिर एक ड्रामा रचा दो ताकि आप तावान की रकम लेके वहां पहुंच जाएं, क्योंकि आप तो हैं सदा के नरम दिल इंसान और ये बात वो जानते हैं। और वो पैसा जो आप लेकर जाते वो सीधा जाता अबरार हसन की जेब में। आपने बताया था ना कि उसकी नौकरी चली गई। से बेरोजगारी में भी उसका दिमाग बहुत चलता है। तुम्हें समझाना तो नामुमकिन है। हेलो। हाँ फिजा, क्या हाल है तुम्हारे बेटा? मुझे जवार बता रहा था कि एग्जाम्स की वजह से तुम बीमार हो गई हो। अच्छा, अब ठीक हो, थैंक गॉड। अच्छा सुनो, तुम आ कब रही हो? मुझे ये बताओ। नेक्स्ट वीक? अच्छा ठीक है, बस जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं। ओके मेरी जान, ओके, खुदा हाफिज। फो मामा, कितना ड्रामा करती हैं। वैसे ना इस दुनिया में हर कोई ड्रामेबाज होता है। कल जो हुआ उसके बाद तो मैं बहुत डर गई। ऐसे लोग ताक लगा के बैठे होते हैं और मैं कब तक समी को पहरा देती रहूंगी? आया का तो अब एतबार ही नहीं है। दोबारा ये गलती आप मत कीजिएगा। ज़ेबा बहन, मैं तो सोच रहा हूँ कि समी को किसी डे केयर सेंटर में भेज दूं। क्या हो गया अबरार भाई, इतने छोटे बच्चे को डे केयर वाले अच्छी तरह नहीं संभाल सकते। दूसरी जिंदगी मिली है आपके बच्चे को। इसकी जिंदगी की खातिर तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ।
आपको जान देने की कोई जरूरत नहीं है। समी का सोचे कि आगे क्या करना है। आपकी बेटियों से तो मुझे रत्ती बराबर उम्मीद नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्हें एहसास तक नहीं है। आपने देखा नहीं कैसा कमरा बंद करके बैठी थी। आपके मसले का एक ही हल है मेरे पास। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी और आज भी कह रही हूँ। आप शादी कर लें वरना आपका बच्चा रुल जाएगा। अरे सेवा बहन, सौतेली माँ के होते हुए भी तो बच्चे रुल जाते हैं ना। और अभी तो शगुफ्ता का बिखरा सामान भी नहीं सिमटा और आप कह रही हैं कि मैं उसकी जगह किसी और को दे दूं। नहीं, उसकी जगह देने को नहीं कह रही। वो आपकी बच्चे की माँ थी और हमेशा रहेगी। ये बात सोचने में अच्छी लगती है। हकीकत में तो बच्चे को पालने के लिए माँ की जरूरत होती है, चाहे वो सुतेली से। अब देखिए, कुछ दिनों बाद अबीर और मुमना की शादी हो जाएगी, उसके बाद तो आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। कि मुझे एहसास है आप मेरे लिए अच्छा ही सोचती हैं, लेकिन मेरी दो जवान बेटियां हैं, ये तो उनकी शादी की उम्र है। वो पहले ही मुझसे नाराज है दोनों। और फिर सच्ची बात है, मुझे तो शादी का सोचते हुए शर्म आती है। मैं आपको शादी करने का कह रही हूँ। मजबूरी में दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है। आपकी बेटियों की वजह से ये नौबत आई है। आपका क्या ख्याल है, मैंने उन्हें समझाया नहीं होगा? वो मुझसे बात तक नहीं करी। न जाने क्या जिद है इस बच्चे से उन्हें। इस बच्चे से उनको कोई जिद नहीं है, वो सिर्फ मुझे सजा दे रही है। इस सजा के चक्करों में आपका बच्चा गलत हाथों में चला जाएगा अबरार भाई। और फिर माँ चाहे सुतेली हो, वो बच्चों को डांटेगी मारेगी लेकिन अपने नजरों के सामने रखेगी। और फैमी से अच्छी मां आपके बच्चे के लिए तो हो ही नहीं सकती। लगता है जिंदगी मुझे 20-22 साल पीछे ले गई है। आपको याद है जब मुमना होने वाली थी तो मैं हद से ज्यादा मोटी हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे वॉक करने के लिए कहा था, लेकिन आपकी जान जाती थी मेरी वॉक से, क्योंकि आपको जो वॉक करनी पड़ती थी मेरे साथ। अब पता है, मैं बार बार अपने आप को बावर करवाया करता था कि इब्रार मियां जिंदगी भर साथ देने का वादा किया है, और तुम ये थोड़ी सी वॉक से डर जाते हो। वादा तो आपने खूब निभाया और अभी तक निभा रहे। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मेरी कौन सी नेकी के सिले में अल्लाह मियां ने आपको दिया मुझे। खुदा का वास्ता इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो तुम। मैं शर्मसार होने लगता हूं। तुमसे मोहब्बत तो बहुत की मैंने, लेकिन तुम्हारा कदरदान होने में शायद कहीं कमी रह गई है, इसका एहसास है मुझे। दो बेटियां और अब एक बेटा और आपका साथ, मेरा दामन तो खुशियों से भरा हुआ है, और किस चीज की कमी है भला। बीवी, तुम वाकई खुश हो ना?
ये खुशियों का बोझ ही तो है जो मुझे थकने नहीं देता, वरना ये वक्त बहुत मुश्किल है। वाकई बहुत मुश्किल वक्त है, मुझे माफ कर देना शगुफ्ता, मेरी मोहब्बत हार गई मेरी मजबूरी के आगे। तुम्हारे इस घर में तुम्हारी यादों के साथ शराकत करने का सोच रहा हूं, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना शगुफ्ता, मुझे माफ कर देना। तुझे तेरी मां तो नहीं दे सकता, लेकिन कोई तो औरत होगी जो तुझे मां जैसा प्यार देगी। औरत होती ही मां है, वो मरने तक अपना हैद निभाती है। तुम्हारी मां की मुझे माफ कर देना शिको, मुझे माफ कर दे। हार तो बड़ा प्यारा लग रहा है, ससुराल से आया होगा। अरे नहीं, मेरा अपना है, ससुराल से तो कुछ भी नहीं आया, ससुराल जाके तो सब कुछ वसूल करूंगी, है ना? फैमी, कितनी कोई प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। अच्छा सुनो, ये बताओ कि तुमने अपने भाई से बात कर ली ना, उनको मेरी सारी शर्तें बता दी? क्योंकि देखो, जैसा जैसा उन्होंने कहा था मैंने वैसे ही किया, अब जैसा मैंने कहा है उन्हें वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, उन्हें किसी बात पे एतराज नहीं है, तुम पूरी उम्र उनके साथ खुश होगी। चलो ये अच्छी बात है। से एक बात है, मुझे खौफ है कि कहीं जो उनकी बची कुची उम्र है वो अपनी मरहुमा बीवी की याद में तो नहीं गुजार देंगे, क्योंकि तुम्हारी बात का तो कोई भरोसा नहीं, तुम तो उन पे 100-100 जान फिदा हो। बताओ ना, ऐसे शरीफ लोगों से मुझे बड़ा डर लगता है। क्यों, तुम किस मर्ज की दवा हो? शौहर को कैसे काबू में किया जाता है तुम्हें नहीं आता है? मुझे क्या पता। हाँ लेकिन तुमसे सीख लूंगी। ठीक है, कितना खूबसूरत लहंगा है ना। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही हो वैसे। भाई, इस वक्त इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे उसकी दुल्हन अम्मी के पास ले जाऊंगी, वो इसे गोद में लेने के लिए बहुत बेचैन हो रही है। वाह खाला, खालू तो बड़े मॉडर्न ढूंढे तुमने मेरे लिए, हैं? बच्चा पहले से ही गोद में। वाह भाई, तेरी तो लॉटरी निकल आई है। ये लो फैमिली,
प्यारा मुन्ना सा तोहफा। मेहर की रकम आप अभी अदा करेंगे या? जी अभी अदा करूंगा, आप 5 लाख रुपए लिख लीजिए। देखा फैमी, मैंने कहा था ना कि ये शरीफ है लेकिन गरीब नहीं। अबरार हसन वल्द हसन सज्जाद फहमीदा बेगम बिनते साबिर अहमद को मेहर मुअज्जल सिक्का राजल वक्त मुबलिक 5 लाख रुपए के वज आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। ये फैन क्या फैन हमारा कबूल? आप भी दोस्तों के साथ जाना इतना बड़ा भी कोई गुनाह नहीं है। तुम तो ऐसे ही लेक्चर देने लगी हो जैसे तानी क्या हो गया हो। अम्मी याद आ जाती है मुझे। मेरी एक बात सुनो, तुम्हें पता है ना कि अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था इस तरीके से कॉलेज के बाद फ्रेंड्स के पास जाना। पता है ना कितनी बार तुम्हें मना किया है कि मत करो मत करो, तुम बार बार रिपीट करती रहती हो। अच्छा अच्छा, अब जब भी जाऊंगी तुम्हें बता के जाऊंगी। खुश सुनो, तो बात तो सुनो। ये देखो इतनी अच्छी पिक्चर आई है ना, ये देखो। अरे मेरी पिक्चर है, देखो ना आपी, देखो ना, ये देखो कितनी अच्छी तस्वीर है, देखो। ये क्या बेहूदगी है, ये कैसा बेहूदा ड्रेस पहना हुआ तुमने? अब इसमें बेहूदा क्या है, ये क्या है? आपी कभी कभी दोस्तों के साथ चलता है यार, देखो तो कितनी अच्छी लग रही हूं मैं। तुम्हें ना पता नहीं कैसे समझ आएगी, तुमको जब भी कुछ दिखाओ ना तुम ऐसी रिएक्शन देती हो, बोरिंग हो गई हो तुम बिल्कुल। मैं बोरिंग हूं? तुम बहुत ज्यादा हाथ से बाहर निकल रही हो समझी तुम। पता नहीं बाबा कहां रह गए, समी भी नहीं है और जेबा आंटी के घर को भी लॉक लगा हुआ है। बाबा ताए, इसको मुझे दे दें। दे दे। मेरा भाई कहाँ चला गया था? समीर
तुम्हारी बड़ी बहन। गुस्से की भी तेज हूँ तो प्लीज रोना नहीं पापा, छोटा सा है ना बिल्कुल। देखिए पापा, मैंने खाना बनाया आज, भिंडी गोश्त, मम्मी का फेवरेट। आज कॉलेज से जल्दी आ गई थी ना, अब मैं और समी घर पर रहेंगे साथ साथ। हाँ समी, दोस्ती करोगे ना मुझसे? हाँ देखिए बाबा हंस रहा है। अब बाबा ऑफिस जाएंगे और हम दोनों साथ रहेंगे, ठीक है? क्या हुआ बाबा, आप थक गए हैं क्या? समी को डॉक्टर के पास ले गए होंगे, है ना? आप फिक्र नहीं करें, अब से इसको डॉक्टर के पास मैं ले जाऊंगी, आप बस मुझे बता दीजिएगा। क्यों समी, साथ चलेंगे ठीक है? आप फिक्र नहीं करें, बहुत सर पे चढ़ गई है ये, मैं इसको समझाऊंगी और इसकी कोई बात भी नहीं मानूंगी अब से। क्यों? हम दोनों सोच रहेंगे। मेरा प्यारा प्यारा सा समीर, बाबा आप फ्रेश हो जाए ना, मैं खाना लगाती हूँ ठीक है, फिर हम साथ बैठ के खाना खाएंगे। आपस की बात है, ये तेरी शादी की ना मुझे कुछ समझ में नहीं आई, और जब शादी के बाद भी इसी घर में रहना था तो सीधा सीधा बच्चा पालने की डील बना लेती, और फेस भी अपनी मर्जी है। तुझे शर्म आती है कि नहीं? तुझे क्या लगता है डील बनाई है मैंने? अरे उनकी कोई मजबूरियां थी, वैसे भी मुझे ना तरस आ गया उस बच्चे, हाय क्या बताऊं तुझे, बिन माँ का बच्चा टेनिस बॉल बन गया था, कभी इधर तो कभी उधर। अच्छा, ऐसे बड़ा मुश्किल काम है तेरे लिए बच्चे बच्चे संभाल। चलो भाई जैसे तेरी मर्जी। ऐसे रुखसती का सीन कब तक है भाई? मालिक मकान को नोटिस भी तो देना होगा ना, और जब तू इस घर से चली जाएगी तो मेरा किला यहाँ क्या करूंगा? चला जाऊंगा सखा, या फिर दुबई है? तू सोना दुबई जाएगा भाई, अभी उन्हें अपनी बेटियों से बात करनी है, और मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा है, बात करें बेटियों से, हंसी खुशी राजी खुशी मुझे यहाँ से ले जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई बदमस्की हो, और फिर उनकी जो बड़ी बेटी है ना उसकी भी शादी का कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। अच्छा बेटियाँ, वैसे कैसी हैं उनकी बेटियाँ हैं? बहुत प्यारी हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। से छोटी वाली थोड़ी सी नक्चड़ी है, लेकिन नैन नक्श बड़े प्यारे उसके। ओ खाला, ये नैन नक्श की बात ना तू मेरे से ना किया कर। नैन नक्श तेरे पांजे के कम प्यारे हैं? कसम वाली बात है, मरने की लड़की है ना, मरती है उससे बात करने के लिए, और कसम से उनकी तरफ मुड़ के जो देख जाऊं। ऐसे बात करो ना मेरे रिश्ते की, ये ना शोखियां मुझे ना दिखाया कर। अब भी गांव बसा नहीं है, टाकू पहले आ गए हैं। पास हूं मैं, बात भी करूंगी और रिश्ता पक्का भी करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात तेरे मुंह से बाहर निकली ना अच्छा नहीं होगा, तूने अपनी माँ को भी नहीं बतानी। अच्छा तो मुझे क्या पड़ी है किसी को कुछ बताने की, नहीं बताता अपनी माँ को, बस एक ख्याल रखना, ससुराल जब भी दावत में जाओ ना मुझे साथ लेके जाना है, भूलना नहीं इस प्यारे भांजे को। हाँ हो गया, चल अब जा, सोना है मुझे, सुबह सुबह अबरार साहब आ जाएंगे अपने बच्चों को छोड़ के ऑफिस जाने के लिए, खाना भी नहीं खाया मैंने। वैसे बिरयानी किससे बनवाई तूने? अपने सिद्दीक हलवाई से। बहुत अच्छी बनाई है भाई। हैं? चलो खाला
गुड नाइट। हाँ गुड नाइट भाई, जाओ। चाय। समी। समी। बाबू ये कितना गोलू मोलू सा है ना, छोटा सा। आज मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। रहने दो बेटा, रात में जाग गया तो तुम्हारी नींद खराब होगी। जाग गया तो क्या हुआ, हम लोग खेलेंगे बातें करेंगे, क्यों समी? वैसे भी कौन सा मैंने सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, आराम से हम लोग साथ रहेंगे। पापा आपको पता है मुझे आपके साथ कितनी सारी बातें करनी है। अम्मी के बारे में, समी के बारे में, मेरे और अबीर के बारे में, कर दी तुमने बेटा। तो बहुत कुछ सुनना चाहता था, बहुत सी बातें करना चाहता था, हमारी बातें। इस जिंदगी को हम नहीं, हमें जिंदगी चलाती है। हर दिन एक नया सबक लेकर आता है। माना, माना कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी अभी कुछ वक्त बाकी है और वो वक्त हमारे हाथ में है। आप जानते हैं मां के बाद जिंदगी कैसी हो जाती है? यहां जान यहां अटक जाती है, आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। मां का चेहरा सामने ना होना तो सब कुछ वीरान हो जाता है। दिन तो जैसे तैसे गुजर ही जाता है बाबा, अगर रात मम्मी के जाने के बाद हर रात ऐसे है जैसे काली अंधेरी तूफानी रात। सच कह रही हो बेटा, दिन तो जैसे कैसे कट ही जाता है, रात बहुत भारी हो जाती है, काटना बहुत मुश्किल हो जाता। बाबा सॉरी, मैं बहुत बुरी हूं ना, नादान हूं। मैंने आपसे बात नहीं की, समी को प्यार नहीं किया,
मुझे माफ कर दे बाबा, लेकिन आज आज मैं आपसे एक वादा करती हूं। कि मैं समी का ख्याल अपनी जिंदगी से बढ़कर रखूंगी, कि मेरी अम्मी की आखिरी निशानी जो है ऐसे ही हूं दूसरों के हाथों में खिलौना नहीं बनने दूंगी। प्रॉमिस। जीती रहे बेटा।